Hello friends, welcome to JDS Educational Academy. Today we are going to start chapter number 4, Globalizations and the Indian Economy from class 10th. So first of all, we have to know the definitions about the globalization. हमें क्या पता होना चाहिए globalization की definitions. इन्हीं globalization क्या होता है? तो globalization is the process of interactions among peoples, companies and governments worldwide. ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या करती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग कंपनी एक दूसरे से अट्रैक्ट करती हैं और वर्ल्ड लेवल पे क्या करती हैं, ट्रेड करने में मदद करती है, यानी एक दूसरे के साथ क्या करती है, ट्रेड करती हैं। तब ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए, तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करते हैं, MNCs की मदद ली जाती है। MNC क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी बड़ी बड़ी क्या होती है, कंपनियाँ इस्टेब्लिश की जाती है और क्या करते हैं वहाँ पर प्रोडक्शन सपोर्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या किया जाती है, ट्रेड को किया जाता है। तो MNC कंपनी क्या होती है, MNC इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। MNC कंपनी कौन सी होती है, जो क्या करे, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में क्या करे, प्रोडक्शंस को करे, बढ़ाए। ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, अलग 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 कंट्री में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट ओपन कर, जैसे फैक्ट्री किसी अलग देश में, स्टोरेज कहीं और होगा, कस्टमर केयर क्या होगा कहीं और होगा, ताकि क्या उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, इनके प्रोडक्ट्स ही कम से कम आए और प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, व्हाट आर द थिंग्स MNC लुक फॉर द बिफोर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट। कि MNC कंपनी अगर आपको एक प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो सबसे पहले वो क्या देखती है, किसी भी देश में जाने से पहले, इस्टेब्लिश करने से पहले अपनी फैक्ट्रीज को, तो हम 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़, इट शुड बी क्लोज टू देयर मेन मार्केट वेयर दे वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। यानी क्या होना चाहिए, मार्केट जो क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए वहाँ उनके यहाँ से, जहाँ पर क्या करें वो प्रोडक्शन लेवल को बेच सके ईजिली। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स एंड अनस्किल्स लेबर्स एट लोअर कॉस्ट, यानी लो कॉस्ट, यानी क्या हो, स्किल ईजिली उसको क्या मिल जाए, लेबर मिल जाए, चाहे पढ़े लिखे हो और अनपढ़, दोनों की तरफ क्या हो, लो कॉस्ट पर क्या हो, ईजिली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट थर्ड क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी इन देयर इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है किसी भी कंपनीज को स्टार्ट करने से पहले, वो क्या होना चाहिए, इस MNCs के इंटरेस्ट का होना चाहिए, तब क्या करते हो, किसी भी देश में बिजनेस सेटल करने के बारे में सोचते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वे टू सेटअप अ प्रोडक्शन यूनिट